हाय फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो बेनिफिशियरी स्टेटस जो हम सब लोग पहले जिस तरीके से चेक करते थे अब नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो हम अब कैसे चेक करें। बिल्कुल ये नया तरीका है, 100% वर्किंग है, तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करके दिखाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालें, तो इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालें। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटे को भी प्रेस करें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो को और बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी नहीं करवाई है तो ई केवाईसी अवश्य करवा लें और अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करवा लें। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो अपने मोबाइल में क्रोम ओपन करें, और अगर सिस्टम पे लैपटॉप है तो आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन करें। कैसे पता करें कि हमारा पैसा आया कि नहीं आया, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आया, तो उसका स्टेटस कैसे देखें, बिल्कुल नई तरीका से कोई भी ऐसी ट्रिक आपको नहीं बताएगा, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद फिर सर्च बॉक्स पे हम लिखते हैं पीएम किसान। पीएम किसान जैसे ही आप लिखेंगे सबसे पहले ही ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखेगी https://pmkisan.government.in पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है पीएम किसान पे। जैसे ही हम पीएम किसान पर क्लिक करेंगे और हमें ये जो नया पोर्टल देख सकते हैं कि बिल्कुल पोर्टल अपडेट हो गया, बिल्कुल सारे फीचर्स बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है, तो हम सब लोग बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं लेकिन हमारा स्टेटस नहीं शो करता है। जैसे ही हम बेनिफिशियरी स्टेटस पे शो क्लिक करते हैं तो स्टेटस देखने के लिए हम बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर मोबाइल नंबर से हम सर्च करते हैं, मान लिया मोबाइल नंबर लिखते हैं, मोबाइल नंबर हमने लिख दिया और दिया गया कैप्चा डालते हैं, और हम कैप्चा डालते हैं लेकिन इंटर वैलिड मोबाइल नंबर ही लिख के आता है बस, बाकी कोई डिटेल यहाँ से नहीं शो कर पाता है। इंटर वैलिड इनरोलमेंट नंबर मतलब वैलिड मोबाइल नंबर बताएगा, बाकी कुछ नहीं बताता है, यहाँ से सर्च ही नहीं होता है, चाहे किसी का भी मोबाइल नंबर डाल लें, कुछ भी डालिएगा ये लेता ही नहीं है दोस्तों, बहुत दिक्कत आती है। जैसे गेट डाटा पे क्लिक करते हैं रिकॉर्ड, ये लिख के आता है इधर डिटेल्स आर नॉट रजिस्टर्ड इन द पोर्टल या रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग डिटेल्स, मतलब आप मोबाइल नंबर डाल के सर्च करते हैं लेकिन कोई भी डिटेल्स नहीं शो करता है, यही लिख के आता है रिजेक्टेड या ड्यू टू रॉन्ग डिटेल्स, मतलब जो हमने डिटेल दी है वो गलत है या तो ये रिजेक्ट कर दिया गया है, यही शो करके आता है। तो हम जानेंगे आज रजिस्ट्रेशन नंबर, हालांकि 90 लोग ऐसे होंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर किसी के पास नहीं होगा, तो कोनो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही कोनो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आता है मोबाइल नंबर, जहाँ पे हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे जो केवाईसी करवाते वक्त हमने दिया था। हमने केवाईसी करवाते वक्त जो हमने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर कैप्चा पे क्लिक करेंगे, जो कैप्चा है वो यहाँ पे हम कैप्चा फिलअप करेंगे जो भी कैप्चा है, फिर उसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी। जैसे हम गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यही टेक्निकल इरर प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, टेक्निकल इरर प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, यही शो करता है, चाहे जितनी बार आप कर लीजिएगा यही शो करेगा, हमेशा यही शो करता है, ये टेक्निकल इरर दिखा देता है, हम सब लोग बैक कर देते हैं लेकिन नहीं शो करता है। तो अब हम बताएंगे असली मेथड, तो किस प्रकार से हम अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, किस प्रकार से हमारी डिटेल्स शो करेगी। तो यहीं पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, रीसेंड ओटीपी। हाँ दोस्तों, जैसे ये लिखा है रीसेंड ओटीपी,
आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, वही पुराना इरर, टेक्निकल इरर आपको शो करेगा, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद प्रयास करें। तो कुछ नहीं करना, ये जो लिखा है रीसेंड ओटीपी, रीसेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे कुछ भी ओटीपी नहीं जाएगा, कोई भी ओटीपी नहीं जाएगा। तो बस केवल आपको यहाँ पे ओटीपी की जगह पे एक कोड लिखना है, एक नंबर लिखना है, 4 अंकों का, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8875, दोस्तों 8875 लिख करके, ये हमारे मोबाइल नंबर का ओटीपी नहीं है, ना ही हमारे मोबाइल पे कोई एसएमएस आया है, केवल हमने 8875 ऐसे ही लिख दिया है। और गेट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। गेट डिटेल्स पे हमने जैसे ही क्लिक किया, हमारा सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन नंबर और जिनका नाम है उनका नाम लिख करके आ गया होगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये नंबर UP 24 50 26 586 रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये नाम है अंतिम लाल, जो जिनका नाम है, ठीक है, ये नाम लिखा है, हालांकि ये मेरे पिताजी का ही है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये यहाँ पे नाम लिख के आ गया, ये हमारे इनका नंबर है। तो कुछ नहीं करना, मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक टेक्निकल इरर आपको दिखाएगा लाल लाल, तो समझेंगे यार नहीं चल रहा कुछ नहीं। ठीक उसी के नीचे आपको यहाँ पे रीसेंट ऑप्शन लिखा था, जैसा कि अभी आपने पहले देखा, रीसेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है 8875, 8875 लिख करके गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम लिख कर रखा आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कर लेंगे कॉपी, रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कर लेंगे, एक बार फिर से कॉपी कर लिया, और फिर से हम जाएंगे बैक, बैक नहीं जाते हैं, न्यू टैब लेकर के हम दूसरी पीएम किसान की एक साइट ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हमने एक नया पेज लिया और पुनः हमने एक साइट वेबसाइट ओपन कर लिया, फिर से फिर जाएंगे बेनिफिशरी स्टेटस पे, बेनिफिशरी स्टेटस पे क्लिक किया, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर पे यहाँ पे लिखा इंटर वैल्यू, यहाँ पे हमें दोस्तों वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जैसा ये वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, या तो आप इसको पढ़ के यहाँ पे लिख सकते हैं, या आसान रहेगा कि आप इसको कॉपी करें और इस पेज पे जाके पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी से आप पेस्ट करते हैं या राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये दिया है नीचे कैप्चा, जो यहाँ पे ये कैप्चा आपको शो कर रहा है, यही कैप्चा सेम आपको इस बॉक्स में डालना है। ये यहाँ पे लिखा J3 L p q Y, जैसा शो कर रहा है आपको वैसे ही डाल के गेट डाटा पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारा जो बेनिफिशरी स्टेटस है वो शो करने लगेगा। देखिएगा सफलतापूर्वक हमारा बेनिफिशरी स्टेटस शो कर रहा है, नाम वगैरह, ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो कैंटिंग वगैरह, अकाउंट नंबर नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। अब आधार कार्ड से आपका जो आधार DBT लिंकिंग के होगा, पेमेंट मोड आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड की जिस अकाउंट में आपका DBT लिंकिंग होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो भी अकाउंट में आपका DBT बना होगा, पेमेंट उसी अकाउंट में जाएगा। तो इनका पेमेंट मोड आधार कार्ड है, इसीलिए यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं शो कर रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं, इनकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इनकी 11 किस्तें आ चुकी हैं। 11वीं किस्त अभी अभी 17 तारीख 10वां महीना 2022, अभी इसी मंथ में, अक्टूबर में 17 तारीख को जब मोदी जी ने भेजा है बटन दबा करके किस्त, तो उसी दिन ये 17 तारीख को इनके खाते में सफलतापूर्वक आ चुका है। हाँ, आपका अकाउंट का लास्ट के 4 अंक जरूर शो करता है, और यहाँ पे आपका बैंक का नाम शो करेगा, जैसा कि इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आया है, और यहाँ पे अकाउंट के 4 अंक शो कर रहा है, ये 17/10/2022 को आया है। ये सफलतापूर्वक आप इस प्रकार से स्टेटस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बड़ी ही आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं। हालांकि सभी लोग परेशान थे, हम भी कभी कई दिनों से परेशान थे इस प्रकार से स्टेटस देखने का, लेकिन यह स्टेटस नहीं शो कर रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए सक्सेस ऑफ नॉलेज शिवम सिंह दिनकर के साथ। थैंक यू।